नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुस्लिम करे, बिना खालिस्तान पाकिस्तान करे चुनाव लड़ ही नहीं सकती और कर्नाटक चुनाव में अब उसकी एंट्री हो गई है। जाहिर सी बात है, आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में आतंकवाद पर बड़ी टिप्पणी कर दी। यहां तक कि जनाब विवादित दी केरला स्टोरी पर भी ऐसा कुछ कह गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मोदी जी भयंकर ट्रोल हुए और तमाम तरह के सवालिया निशान जो है मोदी पर जो है उठाए गए। विपक्ष मोदी जी को आड़े हाथ ले रहा है। मामला कुछ ऐसा है कि पुलवामा हमले में नरेंद्र मोदी की सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा, खुद मोदी जी पर सच को छिपाने या दबाने का आरोप लगा, लेकिन मोदी जी केरला स्टोरी में जो सच्चाई दिखाई गई उसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर के पीएम मोदी लगातार हमलावर नजर आए। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे पहलवान जो है, देश के खिलाड़ी जो है, जो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज है। घर में बड़ी बर्दानी चीन इज्जतदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मरामत से, इन फिरका परस्तों की फिरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल के बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ हैं। देश में कितना गंद मचे हुआ है, कितनी गंदगी फैली हुई है। ख़ासकर जब भी इंतखाबात इलेक्शन नज़दीक आते हैं, मुसलमान, खालिस्तान, पाकिस्तान, इस्लाम, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कुछ नहीं है सिवाय गंदगी करना, सिवाय जहर फैलाना, मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, इस्लाम को नीचे दिखाना, इनके पास ये गंद है। अभी देखिए आप, फेकू मंत्री इतने बड़े ओहदे पे फायज रह गए, यकीन मानिए पूरी सोशल मीडिया पे एक मजाक बने हुआ है इन्हें, पूरे सोशल मीडिया में इसको एक मजाक बनाए हुए है, क्योंकि जो गंदगी, जो नीच हरकत, जो गंदी हरकत जो कराए इन्हें, समझे, कोई चीज में नहीं बोलता, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। देखिए कश्मीर के बारे में आप लोगों को पता है, कश्मीर फल के बारे में, अब दी केरला के बारे में बोला और इतनी तारीफ कर डाला इसने, बयान नहीं कर सकते हम तो, वो अल्फाजे भी नहीं दोहरा सकते जो इसने बोला है। वो तौहीन आमीज फिल्म को जो एक नस्ल हराम, नस्ल बद जो डायरेक्टर है और जो नस्ल हराम प्रोड्यूसर है, हराम का खाते खाते लोगों को पेट नहीं भर रहा, क्योंकि है ही हराम की औलादी है, क्योंकि इनकी नस्ल अच्छी रहती और सही धक्के से निकलते, सही माँ सही जरिए से पिला लेती है घर से, तो ऐसे गंद मचाने वाले, ऐसे इस मुसलमानों को और इस्लाम को नीचा दिखाने, बदनाम करने के लिए ये हराम की औलादों के पास दूसरा काम नहीं है। जबकि इस वक्त सारी दुनिया में उसकी मुखालिफत हो रही और खुले तौर पर एक हमारी मुस्लिम तंजीम कमेटी ने ये तक कह दिया, इसने जो इल्जाम लगाया, जो 32,000 जो मुसलमान बच्चियों को बदनाम करा, जबकि हकीकत में वो लिंडिया है, हाय वो गैर मुस्लिम, लेकिन उनको जिस तरीके से मुसलमान नामे दिए गए, मुसलमान की रहन सहन, मुसलमानों की तहजीब उस तरीके से सिखाया गया, उसके बाद उनको आरएसएस में जाके शामिल होते वो लोग, यानी सिवाय इनके पास ये निचली हरकतें करना, ये नीच हरकतें करना, ये लोग नीच भी है, जलील भी है, गिरे से गिरे भी है ये लोग, इसलिए लोग हर हद तक गिर सकते, हर वो नीच हरकत कर सकते, इनसे यही रख सकते हम कोई अच्छा मुसलमानों के लिए या इस्लाम के लिए,
तो इनके पास सोचने का दूर दूर तक टाइम नहीं है। जिस दिन ये लोग सच को सच बोलेंगे, इस्लाम को और मुसलमान को अच्छा बोलेंगे, उस दिन उनकी सियासत ही खत्म हो जाती। इनकी सियासत टिकी हुई है ये गन मचाने से, क्योंकि हमारे पास है बाज मूत्र पीने वाले, इंसानों से या इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है उनको, हर जगह मार खा रहे हैं, इसलिए जलील हो रहे हैं, जलालत उठा रहे, हर जगह थूथू हो रही, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आता हूँ फिल्म दी केरला, अब इस वक्त इंतखाबात है कर्नाटक में, अब इन्हें चौतरफ जो है फिर रहा फेंक रहा, जो इसका काम है वो करता, लेकिन लाख करने दो। कर्नाटक के सिकुलर सोच रखने वाले लोग कभी भी ना इसको वोट देंगे, ना वहां पे जो है सो इन्हें इतनी मुंह की खाने वाला है, इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, ये चारों खाने चित होंगे इंशाल्लाह, इनका ऐसा सफाया होगा। अगरचे इनकी जगह कोई अगरचे गीरत वाला जरी भी गीरत रहती, तो ये होने के बाद कर्नाटक के इलेक्शन के बाद वो अपने आप को रिजल्ट लिख देते, सियासत से दूर हो जाते, लेकिन इन्हों है ही गिरे हुए, तो इन्हों लिखेंगे कैसा, इन्हों हटेंगे कैसा, इनका काम है दूसरों को हटाना, दूसरों को कोसना, तो इन्हें इतनी तारीफ कर डाली, जबकि वो सारी दुनिया में फिल्म बैंड हो गई, अरब में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, कहीं पे भी नहीं चल रही फिल्म, सिवाय हमारे अखंड भारत को छोड़ के, हर जगह जो है सो फिल्म को गालियां मिल रहे, फिल्म बनाए सो वाले को गालियां मिल रहे। हो सकता अब इसकी जो है सो मैंने बेटी को भी यूज करा डायरेक्टर, हो सकता इसके बहनों को, इसकी माता को भी यूज करा, वो 32,000 में से इसके भी कोई शामिल होंगे, इसलिए जो हरकत करा और इन्हें जो नजदीक से दिखा रहा इन्हें, और क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग, इन्हों इस्लाम को झूठे इल्जाम लगाएंगे, ऐसा फंसाए ऐसा बोलेंगे, तो इस्लाम इससे मुतासिर होगा और पुख्ता होगा। अरे वशियो, अरे दरिंदो, अरे पाखंडियो, तुम जब जब इस्लाम को मिटाने की या इस्लाम को बदनाम करने की नजीस और नीच हरकत करें, तब तब इस्लाम और जोरों से फैलाए और जोरों से फैलाए, और तुम हर जगह जलील में है, रुस्वा में है, ये भी होंगे इंशाल्लाह। तो बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, तो ये फेकू मंत्री कर्नाटक में थे, और वहां पे तो मालूम है आपको पैसे दे के लेके आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं पैसे लेके, आके जो है सो जलसा शुरू होने से पहले ही भी गायब हो जा रही है। बहुत अच्छा काम कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही, गलत नहीं कर रही, तुम्हारे पैसा है, वो पैसा भी तुम्हारे छे, इन्हों तो लंगे भूखे मालूम है इनके पास था क्या, आए ये हमारा जो है हमारे देश को और देशवासियों को लूट के ये लोग तुमको दे रहे हैं। तो भर यार एक कोट की कीमत जो है 700-750 रुपए इस तरीके से ये लोग एक एक आदमी को लेके आए, ये जो इनकी सभाएं चल रहे हैं, जो इनके जलसे चल रहे हैं, तो ये लेकिन ये 9 तारीख तक आखिरी डेट है, उसके बाद तो ये गंद भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसको कोई मतलब ही नहीं था भाई, दी केरला के बारे में, उस फिल्म के बारे में बोलना, एक देश का प्रधानमंत्री भी ये फिल्म के बारे में बोलेंगा, यानी जरा सोचो आप लोग, जरा अपने दिमाग पे वजन डालो कि ये लोग कितने साल पीछे जा रहे हैं। दुनिया जो है सो चांद में जा रही है, आसमां में जा रही है, और ये लोग कहाँ जा रहे हैं देखो, तो हम क्या भरोसा रखे ऐसा देश चलाने वालों के ऊपर। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बता दूं, बड़े जोर शोर से गंद मचा रहे हैं ये लोग, गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन वहां पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जलसों में जिस तरीके से पब्लिक जुड़ रही है, सरों का समंदर नजर आ रहा, वन साइड जीत नजर आ रही, और इनको खुद पता है इन्हों किस तरीके से मुंह की खाएंगे, आप लोग देखेंगे अच्छी तरह। अब आप लोगों का भी काम ये बनता, इन्हों मचाने को गंद कितना भी मचाने दो, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जीत हमेशा सच्चाई की और हक की होती है।
वैसे ही इंशाल्लाह यहां से हर चीज हमारा देश बदलेगा। कर्नाटक से, कर्नाटक के जो रिजल्ट आएंगे ना, रिजल्ट के मद्देनजर देश में एकता और एकजहती पैदा होगी इंशाल्लाह। और तमाम भारतीयों को मालूम हो जाएगा कि अगरचे हम हक का और सच का साथ दिए, वो इंसानियत के लिए और देश के लिए मुफीद है। नहीं तो जो जिस तरीके से ये लोग जो चाह रहे हैं, जो देश में जो हालात बने हुए हैं और जो देश हमारे दौर से गुजर रहा है, जिस दौर से, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे बलात्कारी हो, ये सारे चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे महफूज नहीं रहे, पाँच पाँच छः साल के क्या रहता है, पाँच पाँच छः छः साल के बच्चे महफूज नहीं है। आप लोगों को ये बता दो भाई, और सब मांग कर रहे हैं अभी बजरंग दल को बंद करने के लिए। बाजाबता तौर पर देश में एक लहर चल रही है, बजरंग दल को अगर से बंद कर दिए तो ये लोग बंद हो जाते, क्योंकि इतने इनके मिनिस्टर्स वगैरह बजरंग दल के गिनते बैठे अगर से, तो फिर चार घंटे की वीडियो होती। तो ये बहुत बड़ी डिमांड है, ये बहुत बड़ा काम चल रहा है इसके ऊपर। जिस तरीके से जीसीसी, ओआईसी और यूएनसीसी तक बात ये जा चुकी है, बजरंग दल को आतंकी तंजीम वो लोग तो बाहर तो डिक्लेयर कर दिए। अब इनो डिक्लेयर करने की जो वो चल रही थी, अब आजकल में इनको ये डिक्लेयर करना है, नहीं तो हो सकता इनको डिक्लेयर कर देंगे देशवासी। ये हाल पे ये उस पे आ चुके हैं कि अब इनके साथ होगी वो चीज। बहरल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज्जम रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।